इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर बड़ी अपडेट। गाबा में फिर दिखने वाले हैं ऋषभ पंत। आईपीएल 2024 शुरू होने वाला है और इस आईपीएल के जस्ट बाद है टी20 वर्ल्ड कप 2024। लेकिन ये साल इंडियन टीम के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब वेट कर रहे हैं एक सीरीज का जिसका इंतजार हर इंडियन क्रिकेट फैन को होता है, इनफैक्ट हर टेस्ट क्रिकेट फैन को होता है, क्योंकि दो बिगेस्ट टीम इस पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉइंट्स टेबल में टॉप थ्री में बनी हुई है, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की ही 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज होने वाली है नवंबर में, यानी कि साल के एंड होते होते ये सीरीज जो है शुरू हो जाएगी। और ऐसे में इस सीरीज का इंतजार सभी टेस्ट क्रिकेट फैंस को है, ना सिर्फ किसी देश के, क्योंकि ये टॉप टीम्स है टेस्ट की। इस टाइम पर नंबर वन पर इंडियन टीम चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत कमाल की डोमिनेशन दिखाई है, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट। साथ ही साथ WTC फाइनल का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से लेना है, ऐसे में उस सीरीज पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी यहाँ पे जो है मोस्ट अवेटिंग सीरीज कह सकते हैं या बिगेस्ट राइवलरी इस समय इनको कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक नाम की राइवलरी है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो एक्चुअल राइवलरी जो इंडिया के साथ है वो ऑस्ट्रेलिया की है। हमने जो देखा है सर, WTC फाइनल की या तो बात कर ले या ODI वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर ले, अभी तक जो हमने कहा 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत आई थी जहाँ पे भारत ने सीरीज अपने नाम करी, लेकिन अब बारी है जब भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगा। इस सीरीज टीम इंडिया ने कई सारे टेस्ट के मुकाबले खेले जरूर, लेकिन सारे अपने घर में खेले, इंग्लैंड के साथ जो हुआ, फिर बांग्लादेश होगा, न्यूजीलैंड होगा, लेकिन अब की जो अवे सीरीज है वो इकलौती है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है। आखिरी बार 2021 में गए थे, सीरीज अपने नाम कर आए थे और ऋषभ पंत का कमाल देखने को मिला था। आज भी जब बात होती है गाबा की तो वहां पर ऋषभ पंत का नाम सामने आता है, लेकिन अब एक बार फिर से टीम इंडिया वहां पे जाएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। और इसके लिए एक बड़ी अपडेट आई है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 5 के 5 टेस्ट मैचेस के लिए वेन्यूज का ऐलान कर दिया। अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स के मुताबिक आ रहे थे टेंटेटिव वेन्यूज से, लेकिन यहां पे चेंजेस की बात हो रही थी, लेकिन अब कंफर्म कर दी है वेन्यूज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। अगर बात करें पहला वेन्यू जो होने वाला है वो होने वाला है पर्थ टेस्ट पे, दूसरा वेन्यू आपका होगा एडिलेड में जो कि आपका डे नाइट टेस्ट होने वाला है एडिलेड में, तीसरा मुकाबला होने वाला है गाबा का जहां पे ऋषभ पंत की बात होती है, और तीसरा जो चौथा टेस्ट का मुकाबला है वो आपका होने वाला है मेलबर्न में, और आखिरी और पांचवा मुकाबला होने वाला है सिडनी में। बिल्कुल, अगर आप 5 मैच की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो आई फील मान्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीसरा टेस्ट मुकाबला। गुड टू सी कि गाबा का ग्राउंड भी वहां पे होने वाला है, वो जो तीसरा डिसाइडिंग कह लीजिए या क्रूशियल कह लीजिए, वो जो तीसरा मुकाबला है गाबा में होने वाला है। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि ऋषभ पंत बहुत फिट हो जाएंगे ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि आईपीएल में अब वापसी कर रहे हैं, होपफुली इंडियन टीम के साथ भी वापसी करेंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, हर सीरीज में अगर किसी खिलाड़ी की बात हो रही थी तो वो खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, और ऐसे में वापसी करने वाले हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गाबा में फिर देखेंगे ऋषभ पंत। बाकी बहुत क्रूशियल है इंडियन टीम के लिए सीरीज अगर आप WTC के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बट मोर देन WTC अगर आप एक रिवेंज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ऑस्ट्रेलियाई टीम वो टीम है जो आपसे 3 वर्ल्ड कप के टाइटल लेके गई है, ODI वर्ल्ड कप, WTC अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये तीनों टाइटल ऑस्ट्रेलिया आपसे छीन के गई है। तो ऐसे में वो जो राइवलरी है, वो जो एक्चुअल राइवलरी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो अब थोड़ा वन साइडेड और प्रेडिक्टेड होने लगा है, बट वो जो एक्चुअली टॉप 2 की लड़ाई है, वो जो एक्चुअल में बड़ी टीम्स भिड़ने वाली है, वो टीम्स है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और इस टाइम पर भी WTC के टेबल में टॉप 3 में बनी हुई है ये दोनों टीम्स। अभी तक अगर देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पहले मोस्ट अवेटिंग सीरीज जिसका इंतजार हो रहा था वो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज थी, लेकिन वो होम सीरीज थी, जितना क्रेज था उस अकॉर्डिंगली इतनी उम्मीदों पे ये सीरीज खरी उतरी नहीं, क्योंकि वन साइडेड टीम इंडिया ने जीत हासिल करी, वो कंपटीशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लैंड से वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अब अवे सीरीज होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम जिनसे हम ICC टूर्नामेंट्स में हारते आ रहे, फाइनल का बदला लेना है, तो ऐसे में ये सीरीज कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग और मोस्ट अवेटिंग बन चुकी है और एक्चुअल मजा इसी का आने वाला है। लेकिन साथ में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द हम इनके शेड्यूल का ऐलान भी कर देंगे, यानी जो डेट्स होने वाले हैं मैचेस के उसका ऐलान कर देंगे। एक चीज कहीं ना कहीं कि आपका
नवंबर में ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी तक चलने वाली है, क्योंकि चौथे टेस्ट का मुकाबला जो आपको होने वाला है मेलबर्न में वो बॉक्सिंग डे टेस्ट वाले दिन होने वाला है, ये भी बताया नहीं 26 दिसंबर को होगा। 26 दिसंबर को अगर आपका चौथा टेस्ट है या फिर पांचवा टेस्ट का मुकाबला, यानी आपके जनवरी तक 2-2.5 महीने प्रॉपर आपको जो है एक एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, जहां इंडियन टीम के प्लेयर्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उनको हरा रहे होंगे। बिल्कुल, साथ ही साथ एक टेस्ट होने वाला है इंडियन क्रिकेट टीम का, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में मान्या बहुत सारे यंगस्टर्स खिलाए, बहुत सारे डेब्यू करवाए, लेकिन इंडियन कंडीशंस थी दिग्गज। वही बात करते हैं कि बाहर की कंडीशंस में इन यंगस्टर्स के लिए चैलेंज होने वाला है, वहां प्रूव करेंगे तो इंडियन टेस्ट टीम को मिल जाएंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट प्लेयर्स। और ऐसे में ये जो नए खिलाड़ी हैं सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, इनको भी अगर मौका मिलता है तो वो सीरीज फिर इंडियन टीम के लिए और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।